दिवसेंदिवस पेट्रोल डिझेलचा दर उच्चांक पातळी गाठत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे पंचशील चौक पासून वेरायटी चौक पर्यंत पायी मोर्चा काढत पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात आम आदमी पार्टी तर्फे धक्का मारो आंदोलन करण्यात आले. अभी भी देश में गरीब जनता के ऊपर गंभीर संकट है. जो पेट्रोल डीजल के दाम यानी क्रूड ऑयल के जो दाम है इंटरनेशनल लेवल पे $55 प्रति बैरल के है, जबकि ये भाव 2008 में $142 प्रति बैरल थे, 2012 में $125 प्रति बैरल थे, आज हमारे को ₹23 लीटर पेट्रोल बाहर से आ रहा है, उसके ऊपर रिफाइनरी और ये पकड़ के ₹27 तक जा रहा है. लेकिन केंद्र सरकार का जो 33-34 रुपये टैक्स है और राज्य सरकार का 22-23 रुपये टैक्स है, उसके बाद पेट्रोल पंप वालों का कमीशन, ऐसा मिला के आज 90-95 रुपये हमारे महाराष्ट्र में पेट्रोल के भाव हो गए. डीजल का भी अभी 85 रुपये के ऊपर चला गया और ख़ास करके डीजल के भाव बढ़ने के कारण सभी मार्केट में तेज़ी आती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, सब्जी के दाम बढ़ते हैं, अनाज के दाम बढ़ते हैं, लोगों को जाना आना भी मुश्किल हो गया. और कोरोना काल में जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल डीजल खरीदने वाला कोई नहीं था, पूरा एकदम डाउन हो गया था, लेकिन हमारी भारत सरकार जनता को लूटने का ही काम कर रही. आप लोगों को मालूम होगा दिल्ली की पूरी सीमा ऐसी बंद कर दी कि पाकिस्तान की और चाइना की बॉर्डर यदि इतनी पक्की कर देंगे एक भी आतंकवादी देश में नहीं आएगा. लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साधु का रूप धारण करके देश के किसानों को आतंकवादी बोलना चालू किया है. ये बड़ा दुर्भाग्य है. हम लोग इसीलिए आज सड़क पे आए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए, लोगों को जीवन जीना आसान होना चाहिए.